हेलो यारो, कैसे सब लोग। तो आज की वीडियो में अपन लीका कैमरा का रिव्यू करने वाले हैं। और ये जो आज की वीडियो में मैं लीका कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल है। आप इसको कौन से भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो लीका कैमरा है कुछ कस्टम ड्रॉप्स में कंपैटिबल नहीं है। लाइक मैंने इसको लिनोवो इस पर ट्राई किया था लेकिन बहुत क्रैश कर रहा था। फिर मैंने इसको सी एंड्रॉइड में फ्लैश किया तो ये परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा। आप देख सकते हैं पे सी एंड्रॉइड है और ये एंड्रॉइड वर्जन 13 है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पे परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। दूसरे एंड्रॉइड वर्जन का मेरे को पता नहीं है, आप इसको टेस्ट करना और मेरे को बताना। और इस वीडियो में मैं इसका हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ। इसके बक्स बारे में बात करेंगे अपन और इसके सैंपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अपने को क्लियर आइडिया हो जाता कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है क्या नहीं। अपन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे अलग अलग FPS पे। अपन यहाँ पे स्लो मोशन को चला के देखेंगे और एट दी एंड ऑफ द वीडियो में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बता दूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो अपन जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपन लीका कैमरा का एक छोटा सा रिव्यू कर लेंगे, इसमें क्या क्या नए नए फीचर्स मिलते हैं मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर बहुत ही किराग है, यहाँ पे वॉइस स्टटर का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर आप इसको इनेबल कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे चीज बोलेंगे तो ऑटोमेटिक इमेज कैप्चर कर लेता। मैं आपको बताता हूँ चीज, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक इमेज कैप्चर कर लिया। बहुत ही किराग ऑप्शन है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पाम स्टटर का ऑप्शन है, जैसा आप यहाँ पे आपका हाथ ऐसा कैमरे की तरफ शो करेंगे तो ऑटोमेटिक इमेज कैप्चर कर लेता। और यहाँ पे AI कैमरा का ऑप्शन है, जैसा इमेज में कुछ एनहेंसमेंट चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो इसको इनेबल कर दो और इमेजेस क्लिक करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते। कलर्स में एनहेंसमेंट कर देता और जो स्मूथनेस है इमेज की वो बढ़ा देता। यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता, इनेबल डिसेबल कर ले सकते हो। और एस्पेक्ट रेशो का यहाँ पे ऑप्शन है, इतने सारे एस्पेक्ट रेशोस आपको मिल जाते हैं। और HDR को आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर ले सकते हैं। HDR इसमें परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा और मैक्रो भी इसमें परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और टाइमर आप लगा सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन आपको इधर मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको इधर मिल रहे। सबसे पहला तो यहाँ पे फ्लैश लाइट का ऑप्शन है और यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन है, जैसा इस पर टैप करेंगे तो गूगल लेंस पर ऑटोमेटिक ले लेके चले जाता। और यहाँ पे आपको बहुत से नए नए फिल्टर्स भी मिल जाते, कौन से भी फिल्टर को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटी को आप यहाँ पे कम ज्यादा कर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें सारे मोड्स यहाँ पे वर्किंग है, मैं यहाँ पे सब कुछ टेस्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडी वीडियो का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता, बहुत ही किराक फीचर है। जैसा अब यहाँ पे कैमरा को ज्यादा मूव कर दे उसको कुछ हद तक रिड्यूस कर देता, आपका कैमरा एक ही जगह रहता, आपको वीडियो लेने के टाइम नहीं पता चलता। जैसा आप वीडियो कैप्चर कर लिए तो आपके वीडियो में स्टेडीनेस अप्लाई कर देता। यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 720p और 4K यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिल जाते। और FPS की बात करेंगे तो 4K में आप 30fps को यूज कर सकते और 720 में आपको 30fps मिल जाते सिर्फ, और 1080p में आपको 2fps मिल जाते, 30 और 60fps। तो इतने सारे FPS यहाँ पे आपको मिल जाते और सारे FPS यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। यहाँ पे AI कैमरा का ऑप्शन है, सबटाइटल्स का ऑप्शन है और इसमें वाइड एंगल क्रैश कर रहा, वर्किंग नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा क्रैश हो गया, मेरे को इसको रीस्टार्ट करना पड़ता। तो ये एक बग मेरे को इसमें देखने को मिला। बाकी पोर्ट्रेट नाइट मोड परफेक्ट तरीके से वर्किंग है, पोर्ट्रेट भी इसमें परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा और स्लो मोशन भी इसमें वर्किंग है। यहाँ पे स्लो मोशन के अलग अलग रेजोल्यूशन एंड FPS आपको इधर मिल जाते। रेजोल्यूशन में आपको 720 और 1080p मिल जाता, 1080p में आपको ये एक 120fps का ऑप्शन मिल जाता और जो 720 में आपको 3fps मिल जाते, 120fps, 240fps, 960fps, तीनों का सैंपल मैं आपको इधर बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। और 64 मेगापिक्सल इसमें परफेक्ट तरीके से वर्किंग है और वीलॉग का ऑप्शन है, टाइम लैप्स, शॉर्ट फिल्म, क्लोन का ऑप्शन इधर आपको मिल जाता। और मैं इधर यहाँ पे चलता हूँ सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे मटेरिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे फेस पे सेट है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये करता क्या बोले तो फेस पे कुछ एनहेंसमेंट कर देता, मतलब आपका फेस पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर देता। और यहाँ पे डिफॉल्ट HDR का ऑप्शन है, जैसा आप चाह रहे कैमरा ऑन होते HDR ऑटोमेटिक इनेबल हो जाए, तो यहाँ पे इसको आप ऑन पे सेट कर दो, कैमरा जैसे ही ऑन होता है HDR ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता। पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही सेट सुपर पे सेट है, तो इतने सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाते। और टैप टू टेक फोटो का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता, अगर आप चाह रहे टैप करते ही फोटो इमेज कैप्चर हो जाए तो आप वो कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने टैप किया तो इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्चर हो गई, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, वीडियो एनकोडर का ऑप्शन है, ये कंपैटिबल या फिर परफॉर्मेंस पे आप इसको सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कंपैटिबल पे रहता। अगर आप चाह रहे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आना तो हमें हाई परफॉर्मेंस पे इसको आप सेट कर दो। और इधर बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है ऑडियो सेटिंग्स का, इस पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते स्मार्ट नॉइस रिडक्शन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता, अगर आप व्लॉग्स बना रहे हवा की बहुत ज्यादा नॉइस आ रही तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे इस वाले ऑप्शन को आप इनेबल कर दो। यहाँ पे सैंपल्स भी ये लोग दिए, पहले देख सकते ऐसी ऑडियो आ रही थी, उसके बाद ऐसी ऑडियो आ रही, नॉइस बिल्कुल ही खत्म हो गए ऑडियो से। तो एक तरीके का AI है ये, आप अपने वीडियोस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 3D साउंड का यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला ऑप्शन है एक्सटर्नल माइक का, जैसा कि आपको बताएगा कि MIUI कैमरा में अपने को एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन नहीं मिलता था, जैसा अपन कोई सा भी एक्सटर्नल माइक लगा दे तो अपने डिवाइस का माइक्रोफोन ही वर्क करता था, एक्सटर्नल माइक अपन नहीं लगा सकते थे। जैसा आप इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल माइक आप लगा सकते हैं और परफेक्ट तरीके से वो वर्किंग रहते। और बहुत से ऑप्शन आपको मिलते हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करो। अगर मैं बात कर रहा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, यहाँ पे देख सकते हैं यूज गूगल फोटो एज ए डिफॉल्ट गैलरी का ऑप्शन है, अगर आपके डिवाइस में गूगल फोटोज इंस्टॉल है तो इसको बाय
डिफॉल्ट गैलरी ले लेता और कैमरा स्टाइल का यहाँ पे ऑप्शन मिलता लीका रेडमी रेडमी प्रो को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहे रेडमी का कैमरा ही यूज करना तो आप रेडमी पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपन चलेंगे इंस्टॉलेशन पे। अभी आप देख सकते हैं मैंने अभी लीका कैमरा को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया अपने डिवाइस से। मैं इसको स्टार्टिंग से इंस्टॉल करके बता दूं आपको। तो मैं यहाँ पे एपैच का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे मैजिक या फिर कर्नल एसी दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में वर्किंग रहता। तो एपैच से यहाँ पे मैं लीका कैमरा को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो एपैच को मैं इधर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन मॉड्यूल्स वाले सेक्शन पे चल के इंस्टॉल पे टैप करेंगे। यहाँ पे अपन एएसपी मैजिक जो लीका कैमरा का फाइल है इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, कुछ टाइम ये लेता है इंस्टॉल करने के लिए। मैंने लीका कैमरा को क्रिएट नहीं किया है, जो क्रेडिट्स है वो डेवलपर्स को जाता। तो देख सकते हैं यहाँ पे लीका कैमरा अपने डिवाइस में फ्लैश हो चुका है। एक बार अपने को रिबूट करना पड़ता, अपन रिबूट कर लेंगे अपने डिवाइस को। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिवाइस रिबूट हो गया। और जैसा मैं ऐप डॉट पे चलता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे लीका कैमरा अपने डिवाइस में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता। इसको आप ओपन करके टेस्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पे सारे परमिशन को अलाउ कर दो। देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। तो ऐसा आप इसको यूएसबी में इजीली इंस्टॉल कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेजेस को देख सकते हैं, कुछ ऐसी क्लैरिटी अपने को मिलती है। यहाँ पे मेरे डिवाइस का कैमरा बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इतनी खास अपने को क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन इसके हिसाब से बहुत अच्छी क्लैरिटी है। लीका कैमरा में आपको बहुत से एआई के फीचर्स मिलते हैं जो कि इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर्स में एनहांसमेंट मिलता, क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है आपको और नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एचडीआर में भी मैं यहाँ पे इमेजेस को क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट मेरे को इधर देखने को मिला। और पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पे मैं इमेजेस को क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा अपने को। यहाँ पे अपन वीडियो रिकॉर्डिंग को अलग अलग रेजोल्यूशंस एंड अलग अलग एफपीएस पे चला के देखेंगे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले रेजोल्यूशन 720x30fps पे यहाँ पे वीडियो को चला के देखेंगे, कुछ ऐसा रिजल्ट अपने को मिल रहा था। देख सकते हैं जो क्लैरिटी है वो ठीक ठाक ही है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस को शूट करें तो रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे आप 720x30fps को यहाँ पे यूज करो। क्यों बोले तो स्टोरेज कंजप्शन इसमें बहुत कम होता। यहाँ पे अपन रेजोल्यूशन एंड एफपीएस को चेंज करेंगे 1080p 30fps पे यहाँ पे अपन वीडियो को चला के देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता। जो यहाँ पे क्लैरिटी है वो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। पहले आपको बहुत बेकार रिजल्ट मिल रहा था, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एनहांसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले के मुकाबले इसमें स्टोरेज कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा होता, लेकिन आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती। रेजोल्यूशन एंड एफपीएस को चेंज करेंगे इधर 1080p 60fps पे यहाँ पे अपन वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, 60fps यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही स्टेबल fps है। और जो वीडियो की स्मूथनेस है वो काफी क्रैक है। जैसा आप वीडियो को सडनली मूव करते तो हमें वीडियो बहुत स्मूथली मूव होती और ऑब्जेक्ट भी एकदम स्मूथली मूव होता, वीडियो में आपको देख ही रहा होगा। और यहाँ पे अपन 4K 30fps पे वीडियो को चला के देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिल रहा। कलर्स में जो एनहांसमेंट है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए, बहुत ही क्रैक क्वालिटी आपको मिलती 4K में। ट्रू 4K यहाँ पे आप यूज में ले सकते। एक चीज है, स्टोरेज कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, जाहिर है 4K क्वालिटी है, आपको क्लैरिटी अच्छी मिलती। यहाँ पे अपन स्लो मोशन को चला के देखेंगे। यहाँ पे जो पहला रेजोल्यूशन अपन ट्राई करेंगे 720x120fps पे यहाँ पे अपन स्लो मोशन को चलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन आपको इधर मिल जाता और ये परफेक्ट तरीके से वर्किंग रहते हैं। मैंने बहुत से लीका कैमरा को अपने डिवाइस में ट्राई किया है, स्लो मोशन वर्क नहीं करता, पोर्ट्रेट या तो वर्क नहीं करता तो नाइट मोड वर्क नहीं करता, लेकिन इसमें सारे मोड्स वर्किंग है, सिर्फ यहाँ पे वाइड एंगल का इशू है। और जो स्लो मोशन है देख सकते हैं बहुत स्मूथ है। यहाँ पे मैं अपनी बाइक को 30 की स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट अपने को मिल रहा स्लो मोशन में। स्लो मोशन को और भी ज्यादा स्मूथ और भी ज्यादा स्लो करना चाहते तो यहाँ पे आप fps को चेंज करो 720x240fps पे यहाँ पे आप ट्राई करो। तो जो स्लो मोशन है थोड़ा सा और ज्यादा स्लो हो जाता, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा ही होगा ऐसा रिजल्ट आपको मिलता। काफी ज्यादा स्लो है एंड काफी ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 720x960fps वर्क नहीं कर रहा। मैं ट्राई किया लेकिन वीडियो स्टक हो जा रही थी, बग है। तो यहाँ पे अपन 1080p 120fps पे स्लो मोशन को चला के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लो मोशन और भी ज्यादा स्मूथ हो गया। आपको स्लो मोशन बहुत स्लो होना है तो यहाँ पे आप 1080p 120fps पे इसको सेट करो, आपको बहुत ज्यादा स्लो मोशन मिलता, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा ही होगा कितना स्लोली ये मूव हो रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता कर देना, मेहनत तो लगती है वीडियोस बनाने में। तो चलो फिर अब वीडियो को एंड करेंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड पीस आउट।